छतरपुर शहर में ओबीसी महासभा द्वारा 27% आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन एवं बैठक का आयोजन किया गया। स्थानीय अटल सभागार में इसका आयोजन किया गया, जिसमें ओबीसी वर्ग के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में शामिल ओबीसी महासभा के वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए पंचायत एवं स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने की वकालत करते हुए प्रदेश की शिवराज सरकार को आड़े हाथों लिया। विशाल आम सभा के बाद रैली के रूप में ओबीसी महासभा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सड़कों पर निकले और व्यापारियों से अपने अपने प्रतिष्ठान बंद करने की अपील की। तो कुछ व्यापारियों ने तो बंद का समर्थन करते हुए अपने प्रतिष्ठान बंद कर लिए, लेकिन वहीं कुछ दुकानदारों ने अपने प्रतिष्ठान बंद नहीं किए। कुल मिलाकर ओबीसी महासभा का छतरपुर बंद का ऐलान मिला जुला दिखा। जैसा कि आपको पूर्व से ही विदित है कि समूचे मध्य प्रदेश में विगत 10 दिनों से ये माहौल चल रहा है। जब से मामला कोर्ट पहुंचा था, कोर्ट से फिर मामला वापस आया तो घूम फिर के वहीं से वहीं बात आई है। और चूँकि जो वर्तमान में सरकार है, जो पूर्व में सरकार थी, उन्होंने ओबीसी वर्ग को एक विश्वास में लेकर 27% की घोषणा की थी। उसी के तट पर मध्य प्रदेश में संवैधानिक तौर पर जो हमारा 27% है उसको लेकर चुनाव में जाने की प्रक्रिया की ग्राम पंचायत में, क्योंकि ग्राम पंचायत के पहले से ही